शहीद हुए हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी शहीद हुए हैं। पता जा रहा है कि अनंतनाग के कुकेर नाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही थी। इस दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिसमें कर्नल मनदीप और मेजर आशीष ढोरे शहीद हो गए। साथ ही डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। हमारे साथ मेरे सहयोगी खालिद लाइव हैं। खालिद, ये शहादत व्यर्थ नहीं जाने देगी हमारी सशस्त्र पुलिस, लेकिन हुआ क्या, कैसे हुआ, एक क्या हुआ, किस तरह की जानकारी थी सेना के पास? दीपक, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा कैच था ये, क्योंकि कुलगाम में भी जिस तरह का हमला था हुआ था, उसके बाद ये फॉरेन मिलिटेंट्स थे जो इन जंगलों में घूम रहे थे, और यही सूचना जो है सेना और पुलिस को मिली थी कि एक बड़ा ग्रुप जो है गडोल एरिया में, जो अनंतनाग ज़िले में जहां पर हम हैं, वहां पर छुपा हुआ है। और तुरंत रात के करीबन 3 बजे एक सर्च पार्टी तैयार की गई, जो एक संयुक्त पार्टी थी जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ग्रुप की और साथ में सेना के लोग भी थे, लेकिन इसका नेतृत्व खुद जो 19 RR के CO थे कर्नल मनप्रीत सिंह, वो कर रहे थे। और उन वो क्योंकि कैच बहुत बड़ा था, किसी किस्म का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए रात में ही ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही वो उन घने जंगलों में गए, तो अचानक से जो है एक एम्बुश बताया जा रहा है कि लगा हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, तो वहाँ पर फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, रिटेलिएट भी किया गया। लेकिन इसमें जो इनिशियल फायरिंग हुई, उसमें ये 3 अधिकारी जो है बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि इनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कर्नल जो थे वो मौके पर भी ही दम तोड़ बैठे, शहीद हुए। और उसके बाद 2 जो मेजर और DSP जो थे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो भी दम तोड़ बैठे। यानी 3 शहादतें यहाँ जो है सुरक्षा बलों को देनी पड़ी। और उसके बाद से इस पूरे इलाके को जो है घेरा में डाल दिया गया है, रेनफोर्समेंट और बुलाई गई है, और पूरी तरह से गडोल एरिया जो है कोकरनाग अनंतनाग में जो पड़ता है यहाँ पर हमें, उसको घेरे में ले लिया गया है, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और जितना भी कॉर्डन एरिया है, वहाँ से सिविलियंस को इवैक्यूएट किया गया है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी वहाँ से बाहर निकाला गया है, ताकि ऑपरेशन जो है एक सही मैनर में किया जाए, क्योंकि सूचना अब भी है कि जो ये मिलिटेंट्स हैं वो इसी नई जंगलों में छुपे हुए हैं, और इनका मार गिराना एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। और इसी तरह का हमला इन्होंने 4 अगस्त को, मैं आपको बता दूं, कुलगाम में अंजाम दिया था, जहां सेना के 3 जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद से ही इस पूरे इलाके में इन पर नजर रखी गई थी, और आज इनपुट के आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें इनिशियल फायर फाइट पर सेना को ज़रूर नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन फिलहाल जो है ऑपरेशन को बड़े चरम पर शुरू किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद। घात लगाकर हमला है, एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर पीठ पर वार करना, ये पीछे से वार किया गया है हमारे अफसरों पर, और मैं जानता हूं कि हमारे सेना, हमारी सुरक्षा बल इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़े, DNA की तरफ चले सौरभ के साथ, उससे पहले हेडलाइन।